बुलडोजर सिर्फ बुलडोजर, आजकल बुलडोजर जैसे तकिया कलाम बन गया हो। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एट नाइन में। मैं आपके साथ हरीश असवाल। बीजेपी बुलडोजर की तारीफ करते नहीं थक रही और वहीं विपक्ष बुलडोजर से बहुत कुछ टूटने का आरोप लगा रहा है। तो क्या बुलडोजर के चौतरफा शोर का 2024 के चुनाव से कोई कनेक्शन है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बुलडोजर का प्रसार और प्रहार लगातार जारी है। लेकिन दिल्ली हिंसा के बाद दिल्ली एमसीडी के अतिक्रमण के खिलाफ जो बुलडोजर चलाया, उसके बाद सियासी बवाल मच गया। बुलडोजर के एक्शन में अपने अपने सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बीजेपी बुलडोजर की कार्रवाई को जायज ठहरा रही है। जो दिल्ली पुलिस की आरटीआई की जवाब 13 मई 2015 को दिल्ली पुलिस से ये आरटीआई में मांगा गया कि कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्योंकि जो नोडल एजेंसी है कार्यवाही करने की, एफआईआर दर्ज करने की, शिकायत दर्ज करने की, वो तो आप हैं, तो कितने लोग गिरफ्तार हुए, क्या कार्यवाही हुई? तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि कुल मिलाकर के 1031 पे 282 कॉल्स मात्र आए और 7 केस दर्ज हुए। गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई, मात्र 7 केस दर्ज हुए। जस्ट इमेजिन। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, उनके नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा 1,25,000 कॉल्स आई, 152 सस्पेंड हो गए, 35 गिरफ्तार हो गए, भारी जुर्म हो गया था इसलिए 35 गिरफ्तार हो गए। किंतु दिल्ली पुलिस ने कहा कुल मिलाकर के 282 कॉल्स आए। बीजेपी शासित एमसीडी के एक्शन के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर पर ही बुलडोजर चलाने की मांग कर दी। आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने पिछले 15 साल में नगर निगम में रह के पैसे खा के इस तरह के इलीगल एंक्रोचमेंट करवाए, उनके घरों पे बुलडोजर कब चलेगा ये बताया जाए। उन लोगों की काली कमाई से बने हुए मकानों पे बुलडोजर चलवाइए, तब मानेंगे आप गड़बड़ के खिलाफ। बुलडोजर की कार्रवाई देखकर कोई ये कह रहा है कि एमसीडी ने इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने पब्लिक की जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार या एमसीडी को कोई नोटिस दिया था? आपको दिल्ली के उन लोगों के बारे में जरूर जानना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, और सुप्रीम कोर्ट सारे काम छोड़कर तुरंत उनके मामले पर सुनवाई शुरू कर देता है। फिर दिल्ली के जहांगीरपुरी में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे बुलडोजर पर रोक लगा दी जाती है। इससे पहले यानी वो जुमातुल फिदा आएगा, तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरमन रखने के लिए जो को निजाम मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने चढ़ाने की, जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हज़ारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का, ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं, भाई ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे, और ये उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतजाम होना चाहिए, बिजली पानी का सबका, और ईद के दिन भी माकूल इंतजाम हो। ईद एक बहुत पुरमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है, तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये दो वाक़े जो हुए, एक मस्जिद पर रंग डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने बहरहाल समझा बुझा कर बहरहाल कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए, और हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने जहांगीरपुरी में पब्लिक की ज़मीन पर अवैध कब्जा करके अपनी दुकानों और मकान बना कर रखे थे। बुधवार जब एमसीडी के बुलडोजर वहाँ पहुँचे तो इन लोगों ने बुलडोजर को रोकने को काफ़ी कोशिश की, और एक बार नहीं सुप्रीम कोर्ट में दो दो बार इस मामले में सुनवाई हुई। इसे एक खास धर्म से भी जोड़ दिया गया।
इस देश में इससे पहले हजारों बार बुलडोजर चले होंगे, लेकिन इनमें से कितने लोगों को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सारा काम छोड़कर एक ही दिन में राहत दे दी थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोक दिया और तब से लेकर अब तक इस इलाके में तनाव बना हुआ है। पूरी मीडिया दिन भर जहांगीरपुरी के इस इलाके में मौजूद थी और इस दौरान पता चला कि जब दोपहर 2 बजे के आसपास एमसीडी की टीम और बुलडोजर के इस इलाके से वापस लौटे तो यहां के लोगों ने इसके बाद कि इस कार्रवाई का विरोध शुरू किया। हालांकि लोगों के गुस्से और तनाव को देखते हुए पुलिस ने उस सड़क को सील कर दिया जहां अवैध कब्जे को नगर निगम द्वारा हटाया गया था। इसके अलावा जिन अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाया गया उसका मलबा अभी भी वहीं पड़ा है और मीडिया को भी उस इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। इससे पहले उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सुबह 10:30 बजे अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई शुरू की थी जिसमें दंगों के किसी आरोपी के घर नहीं गिराया गया, बल्कि ये कार्रवाई नगर निगम के उन लोगों पर की गई थी जिन्होंने पब्लिक की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था। असल में इस इलाके में नाले की जमीन पर लोगों ने दुकानें और झुग्गियां बनाई हुई थी। इसके अलावा जिस मस्जिद के बाहर 16 अप्रैल को दंगे हुए थे उस मस्जिद का गेट भी इस नाले की जमीन पर बना हुआ था जिसे नगर निगम की टीम ने गिराया था। सोचिए इसमें नगर निगम ने क्या गलत किया। यह जमीन नगर निगम की थी और इन लोगों ने उस पर अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ था, लेकिन जब एमसीडी के अधिकारी इस अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचे तो इन लोगों का कहना था कि इन्हें इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया। ये कितना बड़ा मजाक है कि जिन लोगों ने इस जमीन पर कब्जा किया वो पहले सरकार और एमसीडी को कोई नोटिस दिया था क्या? वो लोग चाहते हैं कि एमसीडी इस कब्जे को हटाने से पहले उन्हें नोटिस देती। इससे पता चलता है कि हमारे देश में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करना कितना आसान है और कब्जे को हटाना कितना मुश्किल है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट ने कल तक इस मामले में भी किसी भी तरह से की गई कार्रवाई को एमसीडी को रोक दिया गया। हालांकि ये बात जानकर और हैरानी होगी कि सुप्रीम कोर्ट खुलते ही वह सबसे पहला यही मामला सुना गया, यानी जैसे ही कोर्ट खुला भारत के मुख्य न्यायाधीश ने सबसे पहले जहांगीरपुरी के इस मामले में सुनवाई की। वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे और कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश से ये मांग की कि वो नगर निगम की जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने से रोक दें और इस मांग को अदालत ने तत्काल मान भी लिया और ये कहा कि कोर्ट ने इस मामले में यथार्थ स्थिति बनाए रखने का आदेश देती है और अदालत फिर से सुनवाई हुकुम सुनाती है। इससे पहले भी हमारे देश में हजारों बार बुलडोजर से अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इस मामले में कभी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने सारे काम छोड़कर लोगों को तुरंत राहत नहीं दी। इसलिए आप दिल्ली के इन लोगों को भाग्यशाली और शक्तिशाली दोनों मान सकते हैं। चलिए आपको यह भी बता देते हैं कि क्या कहता है एमसीडी एक्ट 1957। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में भी इस कार्रवाई को रोकने के पीछे यह दलील दी गई, नगर निगम ने इसके लिए पहले से लोगों को कोर्ट कोई नोटिस क्यों नहीं दिया, जबकि नगर निगम का कहना है कि एमसीडी एक्ट 1957 के तहत उसे अतिक्रमण के ऐसे मामले में नोटिस जारी करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हर कोई यही कह रहा है कि एमसीडी ने इन लोगों को नोटिस क्यों नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लोगों ने पब्लिक की जमीन पर कब्जा करने से पहले सरकार को कोई नोटिस दिया था? हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बावजूद दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 किलोमीटर के इलाके में कोई दुकानों उनके छज्जे और दीवारों को गिरा दिया गया।
क्योंकि नगर निगम का कहना था उसे तब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश कॉपी नहीं मिली थी। मामला फिर से कोर्ट में उठाया गया और अदालत में कहा गया कि नगर निगम उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश की तरफ से चिंता जताई गई और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को यह कहा गया कि वो तुरंत अदालत के आदेश की जानकारी दिल्ली पुलिस कमिश्नर, नगर निगम और उत्तरी नगर निगम के मेयर को दे। और इसके बावजूद आखिर यह कार्रवाई रुक गई। हालांकि इस दौरान तीन चीजें ऐसी हुई जिस पर आपको सबको ध्यान देना चाहिए। पहले लेफ्ट पार्टी सीपीएम के नेता वृंदा करात सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर खुद जहांगीरपुरी पहुंच गई और उन्होंने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चल रहे कर्मचारी को यह आदेश दिखाकर इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की। यानी वृंदा करात ने अतिक्रमण के खिलाफ इस कार्रवाई को रोकने के लिए पूरा जोर लगा दिया और ये भी शायद हमारे देश में पहली बार ही हुआ है। दूसरी बात, जब पुलिस और नगर निगम की टीम इस इलाके में अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचती है तो इस इलाके के लोग ने कबाड़ा इकट्ठा करकर वहां की सड़कों को बंद कर दिया ताकि नगर निगम के कर्मचारी व बुलडोजर वहां प्रवेश ना कर सके। असल में इस इलाके में बहुत सारे लोग कबाड़ का व्यापार करते हैं और ये कबाड़ या तो सड़कों के किनारे रखा जाता है या वो खुले मैदान में होता है। लेकिन सुबह से ही लोगों ने इस कबाड़ को इकट्ठा करके सड़क पर जमा करना शुरू कर दिया और बुलडोजर को इलाके में घुसने से रोकने की कोशिश की। हालांकि ये लोग इसमें नाकाम रहे। तीसरी बात, इस कार्रवाई में धर्म देखकर अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। जिन जिन लोगों ने नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था उन सभी पर कार्रवाई की गई। इनमें एक जूस की दुकान भी थी जिसके मालिक हिंदू हैं, क्योंकि ये दुकान पब्लिक की जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी इसलिए उस पर भी बुलडोजर चलाया गया। भारत शायद दुनिया का अकेला ऐसा देश होगा जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए प्रशासन जिम्मेदार होता है और जब इस सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया जाता है तब भी प्रशासन जिम्मेदार होता है। इस सब का कारण है राजनीति। इतने वर्षों में अलग अलग सरकारों, नगर निगम के अधिकारियों और स्थानीय नेताओं ने वोट बैंक की चक्कर में सारी सरकारी जमीनों पर यह अतिक्रमण होने दिया। हमारे देश के नेताओं ने सोचा कि लोग अतिक्रमण कर रहे हैं वही उन्हें पोलिंग बूथ पर आकर वोट भी देते हैं, इसलिए उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया। लेकिन आज जब इस अवैध कब्जे को हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी और लोगों ने सड़कें बंद करके वहां बुलडोजर को आने से रोक दिया। यानी हमारे देश में अगर कानून के तहत कोई काम किया जाता है तो उसको का विरोध होता है। जो लोग इस कार्रवाई के विरोध में शोर मचा रहे थे ये वही लोग हैं जो अक्सर अपने देश में कमियां निकालते हैं और ये कहते हैं ये सड़कें अच्छी नहीं है, ट्रैफिक जाम है, सड़कों और फुटपाथ पर अतिक्रमण है और बाकी सुविधाएं भी नहीं है। लेकिन जब इन खामियों को दूर करने की कोशिश की जाती है तो इसका विरोध किया जाता है। वरना आप खुद ही सोचिए अतिक्रमण को हटाना गलत कैसे हो सकता है। इस समय हमारे देश के विपक्षी नेता और मीडिया का एक वर्ग इस कार्रवाई को सांप्रदायिक बताकर इसका विरोध कर रहा है। इस देश के विपक्षी नेताओं ने इस कार्रवाई को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट करके इस कार्रवाई का विरोध किया। उन्होंने लिखा कि ये डिमोलिशन यानी ये बुलडोजर भारत के संवैधानिक मूल्यों पर चलाया गया है। इसी में उन्होंने ये भी लिखा कि सरकार गरीबों और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। राहुल गांधी इस समय भारत में नहीं है, वो विदेश में छुट्टियां मनाने के लिए गए हुए हैं, लेकिन वो इस कार्रवाई को भारत के अल्पसंख्यकों से जोड़ देते हैं। साथ ही AIIM पार्टी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी भी दिल्ली में जहांगीरपुरी पहुंचते, हालांकि उन्हें उस इलाके में जाने की अनुमति नहीं दी गई जहां अवैध कब्जा हटाया गया। ओवैसी ने अतिक्रमण के खिलाफ चलते बुलडोजर को अल्पसंख्यकों से जोड़ दिया
और उनका कहना था सरकार ऐसा करके अल्पसंख्यकों का दमन कर रही है। तो एक कम्युनिटी को कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है, ये विजिलेंटी जस्टिस है, मैं इसको कंडेम करता हूं और मैं शुक्रगुजार हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया और इमीडिएटली स्टे दिया। और हद तो ये है कि जब सारी दुनिया को पता चल गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, स्टेटस को दिया है, उसके बावजूद भी नहीं रुकते, तो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को फोन करना पड़ता है। तो और ये कौन सी बात आप पार्टी कर रही है? उनके लोग कह रहे हैं कि वहां पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनको क्या गरीबी नजर नहीं आ रही? भारत के नागरिक हैं पूरे के पूरे, वो उनका जुल्म एक ही है कि गरीब हैं। और मैंने जो पहले कहा था वो ये है कि बुलडोजर चलेगा अंसार पर, अहमद पर, बुलडोजर नहीं चलेगा अर्जुन पर और अजय पर, ये फर्क है। और ये अंसार चाहे बीजेपी में हो या आप पार्टी में हो, वो अंसारी रहता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी और बड़ी बात यह है कि अदालत केवल दिल्ली के मामले की सुनवाई नहीं करेगी, बल्कि पिछले कुछ दिनों में देश में जहां जहां बुलडोजर चलाया गया वहां के मामलों पर भी सुनवाई करेगी। इसके लिए जमीयत उलेमा ए हिंद के एक याचिका दायर की थी और कल इस पर भी सुनवाई की जाएगी। इस संस्था का ट्वीट करके कहा कि उनकी अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी की कार्रवाई को रोका है। इस संस्था ने यह भी ऐलान किया है कि जहांगीरपुरी दंगों का आरोपियों को कभी वो केस लड़ेगी। ऐसे में पूरे देश में जेसीबी ट्रेंड कर रहा है। भारत में जेसीबी को लेकर बुलडोजर समझते हैं, लेकिन जेसीबी बुलडोजर नहीं बल्कि एक कंपनी है जो बुलडोजर बनाती है। ये मशहूर एक इंग्लैंड की एक मशहूर कंपनी है। देश के जिंदा लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सभी को है, लेकिन कानून को ताक पर रखकर नहीं, धर्म की आड़ में भी नहीं, जो हिंसा का खेल खेला जाता है ऐसे आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है, क्योंकि ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे मुद्दे पर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। आज भारत डेडलाइन में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।